बुरहानपुर जिले की एक महिला खरगोन पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय पहुंची और निहार की गुहार लगाई। बता दें कि महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति ने उसे धोखा देकर फर्जी निकाह किया और पेट में पल रहे बच्चे का गर्भपात करा दिया। कार्रवाई नहीं होने पर महिला ने प्रशासन से इच्छा मृत्यु की मांग करने की बात भी कही है। साथ ही उसने यह भी बताया कि उक्त दबंग व्यक्ति पुलिस के दम पर सहयोगियों की मदद से शिकायत करने की मांग पर धमका रहा है। इस दौरान निमाड़ रेंज के DIG ने मामले की पड़ताल करके उचित जांच की बात कही। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है। शिकायत पत्र का अवलोकन करने के उपरांत मैंने पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है कि एडिशनल SP से जाँच कराएं और उस महिला की जो भी शिकायत है और उसके शिकायत के आधार पर जो भी तब से जांच में आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई करें। सर, वो लड़की कहते हैं यूँ कह रही है कि मेरा मोबाइल पुलिस ने छीन लिया है। CSP पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। किसी के आरोप लगाने से तो कोई चीज़ साबित नहीं होती है। पुलिस अधीक्षक हैं वहाँ पर, वो खुद भी प्रकरण को देखेंगे और मैंने निर्देशित किया है कि जिले का जो वरिष्ठ अधिकारी ADC SP वो जाँच करेंगे। निश्चित तौर से जो सही होगा वो कार्रवाई की जाएगी। पिछले 2 महीने से परेशान हो रही है महिला और इच्छा मृत्यु की मांग कर रही है। ऐसा नहीं है, वहाँ पूर्व से भी संबंधित उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज है और इनके विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज है। वहाँ पुलिस जो तथ्य आते हैं उसके आधार पर कार्रवाई करती है और करेगी। ठीक सर, मेरे साथ सैयद मुश्ताक हुसैन फर्जी ने कह करके रह रहे थे, जिसका पता मुझे 15 दिसंबर को चला था। उसका फलस्वरूप मुझे 2.5 महीने का गर्भ था, जो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एकमत एक राय होकर षड्यंत्र रच के मुझे मिठाई में कुछ मेडिसिन खिला के मेरा मिसकैरेज करवाया, रात को 1:30 बजे भर्ती किया और खुद की स्वेच्छा से खुद अपने दस्तखत करके सुबह 8 बजे डिस्चार्ज कर लिया। मैंने 25 फरवरी को थाने में आवेदन दिया था, SP साहब को भी दिया था, लेकिन मुझे यही कहा जा रहा है कि जाँच चल रही है। आज मैं यहाँ भी आई तो यहाँ पर भी यही कहा गया कि जाँच चल रही है। किस प्रकार के आप शिकायत लेके पहुँचे? सर, अजन्मे बच्चे की हत्या करना षड्यंत्र रच के, सर इसके लिए मैं न्याय चाह रही हूँ। क्योंकि बुरहानपुर में वो चारों कांग्रेस के नेता हैं, रेत माफिया हैं, प्रमाणित चोर हैं, पुलिस उनको संरक्षण दे रही है, पुलिस उनको खुला संरक्षण दे रही है, उनके खिलाफ कायमी भी करती है तो औपचारिक तौर पर, और जो फरियादी होते हैं उनकी झूठी FIR हो जाती है और तुरंत उनको जेल भेज दिया जाता है। खरगोन किन से मिला आप यहाँ पे? यहाँ मिली हूँ मैं तो, यहाँ भी यही कहा गया है कि जांच चल रही है, जांच के उपरांत कहा जाएगा क्या करें। तो मेरा पुलिस से सिर्फ इतना कहना है कि एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है आयशा का, महिलाएं अगर न्याय मांगने आती हैं आगे तो उनको न्याय मिलता नहीं है। मैं प्रशासन से मांग कर रही हूँ, मैंने ऑनलाइन शिकायत भी की है 10 तारीख को, मुझे इच्छा मृत्यु की परमिशन दी थी प्रशासन अगर मुझे न्याय नहीं देती तो, क्योंकि मेरी वैधानिक है, मेरे एक एक पेपर है, वैधानिक कार्रवाई चाह रही हूँ मैं। सही है जो पुलिस जांच करके भी कायमी नहीं कर रही, 1 महीने से मैं परेशान हो गई हूँ, मैं इच्छा मृत्यु की मांग कर रही हूँ प्रशासन। कौन नहीं कार्रवाई कर रहा बुरहानपुर में? CSP साहब का तो संरक्षण इन लोगों के लिए बुरहानपुर में, ना तो थाना सुनता है, ना CSP साहब सुनते हैं, ना SP साहब सुनते हैं, बस यही बोलते हैं कि जाँच चल रही है, जाँच चल रही है। सर, कब तक जाँच? महिला से संबंधित रिपोर्ट है, आप बताइए कब तक जाँच? 25 तारीख को मैंने प्रथम आवेदन दिया, मेरे जिसमें बयान भी 2 तारीख को हो चुके। क्या चाहती है? सर, मैं कार्रवाई चाहती हूँ, मैं न्याय चाहती हूँ, नहीं तो मैं परमिशन चाहती हूँ प्रशासन से, थाने से लेकर आला अधिकारी तक, कि मुझे फिर इच्छा मृत्यु की परमिशन दे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।